इस छोटे बालवीर की हिम्मत को मानना पड़ेगा, लेकिन अफसोस कि बेचारा अब खुद भी मरेगा और साथ ही खत्म होगी वो छुपी हुई शक्ति भी। चल वैज्ञानिक, घड़ी शुरू कर दे। ये कैसी आवाज थी विमान? इस बम का टाइमर शुरू हो गया है। 4 मिनट बाद ये बम फट जाएगा। आप क्या करेंगे विवान? इतने कम समय में तो हम न इसे धरती से दूर ले जा सकते हैं और न इसे नाकाम कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं है, इस बम का टाइमर अपने आप शुरू कैसे हो गया? कहीं तमन्ना शाह में दूर से देख तो नहीं रही? अगर ऐसा है तो हमें अभी के अभी वहां जाना होगा जहां से इस बम को कंट्रोल किया जा रहा है। आओ छोटे बालवीर। अरे वाह, सुनो वैज्ञानिक, तुम्हारा विज्ञान का जादू तो पूरी धरती का टकला फोड़ रहा है, मतलब पूरी धरती के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। टुकड़े धरती के नहीं, तुम लोगों के होंगे। और इतने कि साइंस में तो क्या, कल लोग का जादू भी भूल जाओगे। देखा तुमने सा, यहाँ भी सिर्फ छोटा बालवीर आया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उस बड़े बालवीर की सारी शक्तियां छीनी जा चुकी हैं। आओ विवान, आओ। आज तुम बस अपनी इन 2 तितलियों के साथ आए, बाकी की 3 तितलियां कहाँ गई तुम्हारी? और तुम्हारा वो बड़ा भाई, तुम्हारा गुरु, वो बड़ा बालवीर नहीं आया तुम्हारे साथ? जब तक तमन्ना शाह मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है, तब तक आप लोग उस वैज्ञानिक से वो टाइमर कब्जे में ले लीजिए। तुम्हें क्या लगता है, तुम काल लोक में इस अपनी आधी अधूरी फौज के साथ आकर तमन्ना शाह को हरा दोगे? गलत फहमी है तुम्हारी। धोखे में मत रहना तमन्ना शाह, क्योंकि मैं खुद में ही एक फौज हूँ। और यहाँ पे एक ऐसी भी फौज है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे बेटा, या कोई योजना भी है तुम्हारे पास? वो क्या है ना बेमार अंकल, कि आपको मैं और ये 2 परियां तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी की 3 परियां और मेरे गुरु यानी कि बड़े बालवीर भी यही, लेकिन वो अदृश्य रूप में। भैया हमला करिए। गलती नहीं सुरक्षित है। बालवीर तो बन गए तुम दीवान, और अभी तक तुम्हारी बचकानी हरकत नहीं गई। चलो मैं भी देखती हूँ कि अपनी इस बचकानी हरकत से कब तक मुकाबला करोगे तुम इन खूंखार योद्धाओं का। चलो शुरू करो। अभी उड़ना सीखा है, पर काट तो इसके। Hey!
मैं इस नागिनी को अभी भवंडर में फंसा देती हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी है विवान? हरी परी, टाइम जा रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। टिम्मी आंटी, अब मुझे तो कुछ नहीं सिखा पा रहे, लेकिन उसे सिखाने के टाइम मार सकते हो। हजार मक्खियां अगर हाथी पर बैठ भी जाए ना विवान, तो भी हाथी को हरा नहीं सकती। अब बस तुम्हारे पास 50 पल बचे हैं धरती को खत्म होने से बचाने के लिए। छोटे बालवीर, योजना नाकाम हो गई और अब अच्छाई के मसीहा के पास बस 30 पल बचे हैं। जब तक एक पल भी बाकी है तब तक ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो, क्योंकि बालवीर वो होता है जो आधे पल में भी बाजी पलट दे। अच्छा, कौन सा बालवीर? तुम या फिर वो अदृश्य बालवीर जिसे तुम यहाँ लेकर आए थे, जो अभी तक हमें नजर भी नहीं आया। कौन सा बालवीर? बहुत लुका छिपी खेल ली सपोले ने, अब इसे काबू में लाना होगा। विमान! ये देख रहे हो छोटे बालवीर, पृथ्वी के विनाश की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बीस, 19, 18, बस कुछ पल और। परियों, हमें खुद को इन सांपों से आजाद करना होगा। लेकिन ये सांप बहुत ही ताकतवर है विवान। ताकतवर होंगे लेकिन है तो सांप ही ना। और आप तो जानती हैं कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सांप के सामने बीन बजाओ तो। नहीं, नहीं, नहीं।
लगता है सदमे से पागल हो गई है, हंस रही है। अरे विवान, तुम तो बस एक पल से चूक गए। तुम्हारी धरती अब तक तबाह हो चुकी होगी और लोग भूल चुके होंगे उसमें। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। विवान, विवान, हाँ, विवान, हाँ। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी वो प्यारे से नन्हे से पृथ्वी भी अब तक धूल बन चुकी होगी। एक ही झटके में बड़े बालवीर और उस छुपी शक्ति से छुटकारा पा लिया मैंने, और अब मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। चमनासा, इस नेक बच्चे को आखिरी बार इसकी प्यारी पृथ्वी और इसके प्यारे परिवार से तो मिलवा दूं। क्यों नहीं, जरूर। दूसरी पृथ्वी नहीं है, ये वही पृथ्वी है, मगर कैसे? इसका मतलब वो परमाणु बम फटा ही नहीं, बस की बम निकला। नासा, आखिर ये बम फटा क्यों नहीं? साइंटिस्ट सर, ये अपने जान बूझकर टेमी अंडी को बिना इंजन वाली कार, बिना दांत वाला शेर, यानी कि बिना ब्लास्ट वाला बम तो नहीं दे दिया था। स्मार्ट हा? पहले ये काम मैं नहीं करना चाहता था, मगर मैंने ये काम किया और मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है। मैंने ये बम बिल्कुल सही बनाया था। क्या? तो फिर चक्कर क्या है? सर, आप ही चेक करके बताइए ना कि ये बम हिट होने के बदले लॉक कैसे हो गया? एक मिनट, मैं चेक करके बताता हूँ। अरे, इसमें तो ट्रिगर के साथ कनेक्टर भी नहीं है। क्या? हाँ, लेकिन मैं और परियां जब यहाँ आए थे तब तो टाइमर ठीक से चल रहा था। इसका मतलब उस वक्त तो ट्रिगर था। मुझे लगता है हमारे जाने के बाद यहाँ जरूर कोई आया था जिसने ये किया है। आखिर ये हो कौन सकता है? मेरी तरह कोई साइंटिस्ट ही होगा, क्योंकि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। आप मुझे माफ कर दीजिए, जब मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए थी मैं उस तिमनासा से डर गया था। मुझे अपनी जान बचानी थी इसलिए। जिसने भी ये काम किया है उसके फिंगरप्रिंट्स तो जरूर होंगे। ये तो और भी अजीब बात है, इस बम पर कोई भी उंगलियों के निशान नहीं है। कम से कम साइंटिस्ट सर के तो फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे। ये क्या लोचा है? अब इस वैज्ञानिक को कुछ याद नहीं रहेगा। ये
ये तो देवू भैया का चश्मा है, तो क्या इसका मतलब उन्होंने बॉम्ब को नाकाम किया है? लेकिन वो तो मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और उनके पास शक्तियां भी नहीं है। ये संभव ही नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बालवीर की शक्तियां बाकी नहीं रही, तो भला वो कैसे परमाणु हथियार को नाकाम कर सकता है? अरे रे रे रे, नागिनी शांत हो जाओ, भले ही तुम्हारी आंखों में अपने दुश्मनों की तस्वीर छप जाती होगी, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि किस तरह बालवीर आकर कालोक वाले के चेहरे पर हार की छाप छोड़कर चला जाता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि बालवीर ने विवान और परियों को यहाँ भेजा हमारा ध्यान भटकाने, ताकि धरती पर उस विस्फोटक को नाकाम कर सके? ठीक ऐसा ही हुआ है। चाहो तो शर्त लगा लो एक कटोरी दूध की। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बस बहुत हुआ अंधेरे में तीर चलाना। इतना सा हमें खुद धरती पर जाके देखना होगा कि हो क्या रहा है, बालवीर के पास शक्तियां हैं या नहीं। खात्मा तो जरूर होगा तिम्नासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। नागिनी तुम मेरे साथ चलो, आज इस बालवीर के नाटक का पर्दाफाश होके रहेगा। मेरा नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या देव ही देवू है, क्या देवू ही बालवीर है, क्या देवू देव बालवीर एक ही है? माँ आप आराम से बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता। अरे पर यहाँ तो मेडिकल शॉप है। माँ माँ आप बैठिए, मैं मेडिकल शॉप ढूंढ लूंगा। भैया बैठिए, जल्दी आना। हाँ ये सब क्या कर रहे हैं भैमार? ये धरती वालों का हर साल का तमाशा है। इन्होंने प्यार मोहब्बत के लिए एक दिन तय कर रखा है, जिसे ये वैलेंटाइंस डे कहते हैं। पर खैर तुम इन सब चीजों से दूर रहना, तुम नागिनी हो, तुम्हारा काम याद है ना, बालवीर पे नजर रखना। चलो ना भैमार, हम भी अपना एक चित्र निकालते हैं। तुमसे मना किया था ना कि फोन के चक्कर में मत पड़ो, बालवीर पे ध्यान रखने के लिए कहा था। वो देखो, वो रहा देबू उर्फ बालवीर उर्फ देव। सच्चा बालवीर कभी किसी मासूम की जान नहीं जाने देगा। समझ गई ना क्या करना है? देवू को बालवीर बनके अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा।
शाबाश। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।